प्लॉट ही प्लॉट, फ्लैट ही फ्लैट, अभी नहीं तो कभी नहीं, सबसे सस्ता सपनों का घर। ऐसे लुभावने वादों पर विश्वास कर एक नौकरीशुदा व्यक्ति अपने सपनों का घर तो बुक कर लेता है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि उसके सपनों के घर के कंस्ट्रक्शन की जगह उसकी परेशानियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फ्लैट ही फ्लैट से दिल लगी कैसे तारीख पर तारीख में बदल जाती है, ये दिल्ली NCR में फ्लैट बुक कर चुके मध्यवर्गीय से बेहतर और कौन समझ सकता है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आवाज में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। एक चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो वो भी कोशिश करती है कि उसका घोंसला सलामत रहे, वो भी कोशिश करती है कि उसका आशियाना हमेशा जिंदाबाद रहे। लेकिन दिल्ली नोएडा में रह रहे नौकरी पेशा लोग, दिल्ली नोएडा में रह रहे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कितनी परेशानियां हैं, ये आपको आज हम बताएंगे। यहाँ के लोग पाई पाई जोड़कर अपने घर का सपना संजोते हैं, लेकिन उनके सपनों पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दरअसल परेशानियों का कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे में वो लोग कहाँ जाएं, किनसे बात करें, ये एक टेंशन भरा जो वाक्य है उनके साथ हर जगह घटता है। बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहा है, बिल्डर जो उनके सपनों को तोड़ रहा है, बिल्डर जो उनके सपनों को दरअसल एक बुरा सपना बना देता है, ऐसे में इनके सामने परेशानियां जो आती हैं उन पर कोई मीडिया चैनल बात नहीं करता। लेकिन जैसे कि आवाज़ की टीम हमेशा आपकी आवाज़ बनने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है, वैसे ही आज एक बार फिर हमने फैसला किया कि इस मुद्दे को जिस पर कोई बात नहीं करता वो दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। तो ऐसे में हम हमेशा जो कोशिश करते हैं वो आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आज हम उनकी आवाज़ बनेंगे जिनके घरों में उनको एंट्री नहीं मिली, जिनके घरों में उनको एंट्री मिली तो फिर वो किस हालत में मिली, किन हालातों में मिली, इनकी हम आवाज़ बनेंगे, इनकी हम आज आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में बिल्डर फ्लैट मालिकों पर गिन गिन कर जुर्म ढा रहे हैं। अब वो फरियाद लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां से भी उन्हें घाव मिलते हैं। ऐसे में अगर आशियाने को लेकर परेशान ये लोग जाएं तो जाएं कहां, बिल्डर की मनमानी की शिकायत करें तो करें कहां। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन के अंदर सर मेरे साथ तो खुद इन लोगों ने बदतमीजी करी है, जिसकी मैंने FIR करी हुई है। और इन लोगों का अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस टाइम पे शुरुआत में एक्शन लिया, उसके बाद वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ना IRP इसके अंदर अनिल तायल जी कुछ करना चाहते हैं, ना अनुराग निर्भया जी कुछ करना चाहते हैं, और ये लोग यहाँ पर डकैतों की तरह बैठे हुए हैं। कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों और शौक में कटौती कर अपनी पूरी मेहनत और सामर्थ्य से एक फ्लैट लेता है, लेकिन उस फ्लैट में उजाला नहीं अंधेरा मिलता है। ऐसे में उसके एहसास को समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। 102 AVJ हाइट्स में रहते हैं। हमारे से मेंटेनेंस के रूप में 2 रुपये लिए जाते हैं पर स्क्वायर फीट, जो कि मेरे घर के अकॉर्डिंगली 4800 बनते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे को 0 फैसिलिटी है, सिर्फ एक स्वीपर आता है वो कूड़ा लेके जाता है। अदर फैसिलिटीज़ में ना पार्क है, ना पूल है, ना कोई भी फैसिलिटी। मार्केट में भी चले जाओ तो इतनी गुंडागर्दी है, मार्केट में भी नहीं, हम जाते हैं ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं इसी डर से। देश में हर साल करीब 10 लाख लोग नया घर खरीदते हैं, मगर बिल्डरों की मनमानी और अत्याचार से उन्हें घर मिलने का सपना अधूरा रह जाता है, या जिस हालात में मिलता है वो भी आवाज दरकार रखता है। बिल्डरों की मनमानी की वजह से करीब 64% फ्लैट का काम पूरा नहीं हो पाता, फिर भी बिल्डरों की मनमानी पर क्यों कोई आवाज नहीं उठती। देश में अभी भी 64% फ्लैट और अपार्टमेंट का काम अधूरा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 3 लाख फ्लैट का काम अभी भी अधूरा। मुंबई क्षेत्र में 1.05 लाख फ्लैट का काम अभी भी अधूरा। बेंगलुरु में 38,000 से ज्यादा फ्लैट का काम अधूरा। भारत में 0.15% आबादी बेघर है। देश में 76,000 रियल इस्टेट कंपनियां हैं। हर साल 10 लाख लोग मकान खरीदते हैं। एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत से पाई पाई जुटाकर पैसे इकट्ठा करता है, लाखों रुपए का कर्ज लेता है और घर की बुकिंग कराता है, जिसके बाद वो अपने परिवार की जरूरतों पर कैंची चलाकर भारी भरकम लोन भरता है, जिसके बाद भी बिल्डर उनके साथ धोखा करते हैं। जो सपने दिखाए जाते हैं उन सपनों को कैसे एक बुरे सपने में अपने सामने बदलते देख उन्हें कैसा महसूस होता होगा, ये सोचना भी अपने आप में दुख देता है।
लेकिन ऐसे लोगों की परेशानियों के सहारे ये बिल्डर ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों के आंसुओं पर अपने महल खड़े करते हैं। ये सिर्फ दिल्ली, नोएडा या ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि इस अंधेरे की जद में देश के लाखों मध्यम वर्गीय लोग फंस कर अपनी जिंदगी को परेशानियों के लिबास में ओढ़कर बेचैनी से आस लगाए हुए हैं कि कभी तो उनका हक भी उनको मिल पाएगा। मैं एवीजे हाइट सोसाइटी जीटा वन में रहता हूँ और मेरा वहाँ पर फ्लैट है और मेरे को जो सुविधाएं बैंक की तरफ से जो लोन हुआ उसके बाद में जो सुविधाएं मुझे मुहैया होनी चाहिए थी, रजिस्ट्री होनी चाहिए थी या पेपर वर्क जो होना चाहिए था प्रॉपर, तो वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कई अर्जियों के बाद तो अब सुप्रीम फैसला सुनाने वाली उच्च अदालत ने भी ऐसा फैसला दिया है जिससे इन जैसे लाखों लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर निगरानी रखना उसका काम नहीं है। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा रियल एस्टेट खरीदारों को वैधानिक अधिकार मिले हैं, कानून के तहत उनके पास समस्याओं का निदान करने के उपाय भी उपलब्ध हैं। ऐसे में शीर्ष कोर्ट का काम निगरानी करना बिल्कुल नहीं है। पीठ ने कहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय दिवाला और शोधन कोड 2016 और रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 आदि कानूनों के तहत खरीदार शिकायत कर सकते हैं। संसद ने खरीदारों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर कानून बनाए हैं और ऐसे फोरम हैं जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा न्यायिक परीक्षण के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी है जिनके जिम्मे पब्लिक ड्यूटी है। निर्णय देने वाली अथॉरिटी का काम अदालत को नहीं हड़पना चाहिए, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह उचित नहीं है कि वह यह समझे कि निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने पर निगरानी उसके अधिकार क्षेत्र में ही आती है। इन सब की दुख दास्तां सुनने के बाद जब हम वहां से बाहर निकले तब हमने एक फैसला लिया। फैसला ये था कि अब हम इनकी आवाज़ बनेंगे, इनकी आवाज़ को वहीं दबाकर नहीं रखा जाएगा बल्कि इनकी आवाज़ को एक आवाज़ दी जाएगी, इनकी आवाज़ को एक नई ऊर्जा दी जाएगी, इनकी आवाज़ को दबने कुचलने नहीं दिया जाएगा। फ्लैट ही फ्लैट, घर ही घर, जब ऐसे सपने दिखाए जाते हैं और इसके बाद जब मालूम चलता है कि दरअसल उन जो सपने दिखाए गए उनकी साइट पर कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि उनकी साइट पर परेशानियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसे ही हम एक जगह पर मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर वो शख्स मौजूद है जिसने इस परेशानियों से यहाँ से लोगों को निकालने में मदद की, यहाँ पर जो कुछ भी किया इन्होंने कैसे संवारा, कैसे बनाने की कोशिश की और आज भी इन परेशानियों के बीच यहाँ जो कई लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब सपना देखा गया था एक घर का, जब एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो वो सोचती है कि वो कैसे यहाँ रहेगी, कितनी बेहतर ढंग से यहाँ रह पाएगी। आप जब यहाँ आए और आपके जैसे तमाम लोग यहाँ रहने आए, अब परेशानियों का जो सैलाब है वो किस तरह का आगे बढ़ रहा है? आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी है लगभग 6 साल पहले लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लेना चालू किया था। सभी का एक सपना होता है कि मैं एक अपना घर लूँ और अपने बीवी बच्चों को उसमें अच्छे से रखूँ, मैं जॉब पे जाऊँ तो कोई डर ना हो, सिक्योरिटी मिले मुझे लिफ्ट मिले, सारी चीज़ों के लिए एक सपना देखता है लोग। लेकिन उस सपने के बाद में जो बिल्डर ने कहा लोगों से कि मैं आपको पोजीशन अभी दे रहा हूँ फिजिकली, लेकिन पेपर पर पोजीशन जो दूंगा मैं आपको उसमें लगभग 3 महीने लगेंगे, लेकिन आज 6 साल हो गए लगभग वो 3 महीने अभी आए नहीं हैं। सभी जितने भी यहाँ लोग रह रहे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं सोसाइटी में जो किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी का आपका शुगर बढ़ गया है, कि बहुत सारे लोग यहाँ से जो हमारे ऐसे बुजुर्ग थे वो एक्सपायर भी हो गए हैं उस सपने को देखते हुए, वो अब है नहीं हमारे बीच में। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हम कंधों पे ही सोसाइटी से बाहर ले गए हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ या जोड़ता चलूँ कि यहाँ पर जितने फ्लैट में कमरे नहीं होंगे उतने लोगों को यहाँ पर वो फ्लैट बेच दिए गए, मतलब एक घर को कई लोगों को बेचा गया। सर ये मसला क्या है, इस लेवल तक का फ्रॉड कैसे जायज़ हो सकता है? ऐसा है सर, जो यहाँ पर फ्लैट्स हैं लगभग 1888 फ्लैट है टोटल विद बी टावर जो आप देख रहे हैं अभी, ये 1888 फ्लैट में से इसने 2340 फ्लैट लगभग बेचे हुए हैं, यानी कि एक ही फ्लैट को भी इसने कई कई बार भी बेचा हुआ है। जैसे मेरा ही फ्लैट है वो इसने मुझे भी बेचा हुआ, किसी दूसरे बंदे को बेचा हुआ, उसने भी इस पर LIC से लोन लिया हुआ है, मैंने इलाहाबाद बैंक से लिया हुआ है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मेरा भी इस पर क्लेम है क्योंकि मुझे मेरे पास भी पेपर हैं। तो आज की डेट में बिल्डर कर क्या रहे हैं कि सभी लोगों को एक पेपर बना के देते हैं और बैंक में सबमिट कर देते हैं और वहाँ से पैसा ले लेते हैं, वो पैसे को फिर भरते नहीं है, तो फिर बैंक आता है कि ये तो फ्लैट इस बंदे का है, ये आपका फ्लैट नहीं है। लेकिन जब
वो भी पेपर दिखाता तो बैंक वहाँ से भाग जाता है। तो समस्या ये है कि एक एक फ्लैट को इसने कई कई बार बेचा हुआ है। उस बेचने की वजह से जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो मानसिक तनाव में है कि यार ये फ्लैट मेरा है या इस बंदे का है, क्योंकि बिल्डर तो यहाँ है नहीं, वो भागा हुआ है और वो जेल में। आज इसकी शिकायत हमने यहाँ के DM से भी की है, अथॉरिटी के चेयरमैन से भी की है और हमने सरकार से भी बार बार कोशिश की है कि हमारी जो समस्या है इसको आप सुलझाइए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आज तक इस चीज़ को सुलझा सके कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये ढंग से रह पाएँ, इनकी ज़िंदगी अच्छे से रह पाए। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें आपने देखी, तमाम उन लोगों को आपने सुना जिनकी परेशानियों का ग्राफ दरअसल बहुत ऊँचा है। आपने उन लोगों को समझने की कोशिश की कि जिनके एहसास को हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। हमने आपको सूरत हाल दिखाया, हमने आपको पैकेज के जरिए समझाने की कोशिश की कि इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो दरअसल बहुत छोटी ना होकर बहुत बड़ी है। ये मुद्दा दरअसल बहुत छोटा ना होकर बहुत बड़ा है और इस पर बात होनी चाहिए, इनकी आवाज उठनी चाहिए। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जहां कोई क्षमा नहीं होती, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, उस जगह पर आवाज की टीम हमेशा एक क्षमा जलाने की कोशिश करती है। धन्यवाद।